साक्षात प्रकट हुआ तस्मय श्री गुरुवे नमः। कल रात में मैं जब यहाँ से जा रहा था तो दत्तू भैया मुझे पूछे कि कल सुबह का कार्यक्रम क्या है, मैं क्या बताऊं। मैं दिल में ऐसा ही बोल लिया कि साधक बहुत सीनियर है, बहुत दिनों से साधना करते हैं, तो उनके सुबह के कार्यक्रम बोलने की क्या जरूरत है। देखेंगे तो सही, कभी आज 10-20 साल से आ रहे हैं, उनको तो अनुभव है, वो आएंगे। 8 बजे तक कोई भी साधक यहाँ नहीं था जप करने के लिए। अब मेरा भाग्य देखो कितना श्रेष्ठ है, इन साधकों को मैं साधना करवा रहा हूँ। जो लोग सुबह उठकर गुरुजप नहीं कर सकते, आश्रम में आकर भी नहीं रह सकते, अब एक एक की दलील सुनो। हमारे मनोज को बुलाया, क्या हुआ 8 बजे? अरे गुरुजी क्या बच्ची रो रही सुबह से, रात में देख दी माँ देखने नहीं दी, मैं रात भर रात सुबह माँ देखती है सुबह बीवी देखती है, मेरे से नहीं होता। उसका रीजन दलील हो गई। हमारे प्रेम को पूछा क्या हुआ, अरे गुरुजी कैसी बात करते आप, कल तो हुई डिलीवरी, आज तो काम है, आप वो सब देख के आना पड़ता स्नान वगैरह करने के लिए। तीसरे आदमी को पूछा क्या हुआ, अरे भाई तुम सुबह सुबह नहीं आ रहे। अरे गुरु जी आप तो मालूम है हमारे दीक्षित है चंद्रपुर से आए, क्या दीक्षित सुबह सुबह जब करके नहीं आए क्या? गुरु जी चंद्रपुर में रहकर तो रोज 5:30 बजे उठ के करता हूँ, कम से कम आश्रम में आपकी शरण में तो 8 बजे तक सोने दो। किसी तीसरे को पूछा गया, अरे क्या रे भाई तुम सुबह उठ के जब के लिए नहीं आए? गुरु जी क्या बताएं, बूढ़े लोग 4 बजे उठते हैं, हम तो जवान हैं, कम से कम सोने दे दो। अब मैं ऐसे लोगों को साधनात्मक दृष्टिकोण से साधना में बढ़ाऊं, एक बार बोला नहीं कि 5 बजे आके साधना करो, तो कोई 8 बजे तक नहीं आया। 3 बार पूछा, आखिर में सब जाने के बाद शेषु महाराज और उदय महाराज से पूछा क्या हुआ भाई आप सुबह नहीं आए? तो सुबह उठ के बैठे कोई नहीं है, हम क्या करें, कोई नहीं दिखे इसलिए हम जाके सो गए। अब इस स्थिति में मैं साधनाएं आपको दूं और आपके ऊपर एक्सपेक्ट करूं कि आप साधनाएं करते हैं सुबह उठ के, मैं किस प्रकार करूं? मैं समझा अब इनको साधनाएं नहीं दूं, पहला काम ये करूं कि इनकी भूख और नींद दोनों मिट जाए, ऐसी कोई साधना दूं, भूख भी ना आए नींद भी ना आए। फिर क्या करते हैं, इनको बोलना पड़ता है कि सुबह आकर आप गुरु शरण में आए हो, गुरु जन्मदिवस के लिए आए हो, सुबह उठकर स्नान करके साधना करने के लिए जाओ। अब रही थोड़े लोग और भी दलील देते हैं, गुरु जी नल को पानी नहीं था, हम सुबह 5 बजे उठे, उसका भी आपको चांस नहीं दिया, कुंड में पानी भर के रखा हूँ, एक डुबकी मार के आप यहाँ आ सकते हैं, पानी का भी आपको कोई किल्लत नहीं है यहाँ, उसका भी इंतजाम कर दिया, आप कहें नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं अगर आपको साधनाएं दूं और आपके पास से साधना एक्सपेक्ट करूं, साधना की सिद्धि के बारे में पूछूं, तो मेरा भाग्य है कि आप इतने साधक हैं। अभी दूसरे लोगों को हमारे प्राची को पूछा, चंद्रपुर से आई है, क्या हुआ साधना? गुरु जी 3 बजे तक 5 बजे तक साधना करके रहे, अब कब 5 बजे उठूं मैं, उठी को सोई नहीं, 8 बजे उठी। ऐसे लोग अगर साधनात्मक दृष्टिकोण से रहें तो मैं साधनाएं बोलूं तो कैसे बोलूं। हमारे ओझा जी से पूछा गया, क्या ओझा जी, अरे गुरु जी आपको तो पता, मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ। बोले 4 बजे उठ के क्या करें, कुछ नहीं सब देख के आए, आश्रम घूम के आए, सब लोग सोए हुए, मैं भी जाके सो गया। इस प्रकार अगर हम साधनाएं करते हैं, और साधना के बारे में मैं आपसे कोई इच्छा या कोई कामना रखूं, तो मैं समझता हूँ इस जन्म में तो मेरी पूर्ण होने वाली नहीं। अगर ऐसा रहा तो आगे साधना के बारे, क्या आपको पता नहीं हम शिविर में आए, हम सुबह आए स्नान करें। अब आप उदाहरण लेंगे कि गुरु जी का, गुरु जी आप नहीं आए इसलिए हम नहीं आए। मैं 4-5 बजे से उठकर पुस्तकें लिखना था, उस लिखते हुए मंत्र लिखते हुए बैठा। अगर आपको अभी मेरे कल से क्या करना होगा, पुस्तकें भी लिखना होगा तो मैं यहाँ आके लिखना होगा, तो मैं उठाऊँ ये आपको पता चले। अगर इस स्थिति में हम कोई साधनाओं की सिद्धि या साधना के बारे में बात करते हैं, तो आपके मन पर, आपके हृदय पर हाथ रख के करो कि आप साधनात्मक दृष्टिकोण से कब महान होंगे, कब आपको ये साधनाएं आएगी, कब आप साधना में सिद्ध होंगे, और कब तक गुरु को कहना वो होगा कि आप 4-5 बजे उठकर साधना के लिए आओ। मैं ये यूं ही नहीं कर रहा हूं, मैं देखने के बाद जब 8-8:30 बजे दत्तू भैया से पूछा क्या हुआ, शिवा से पूछा क्या हुआ, अभी कोई नहीं, गुरु जी सब लोग सो गए, सभी लोग सोए हुए 8:30 बजे, सभी लोग सोए हुए, हाँ सभी लोग सोए। शिवाजी की दलील थी रात में 3 बजे तक साधना करे वो लोग इसलिए सो गए। अरे 3 बजे साधना करने के लिए सो गए हैं तो क्या सुबह उठने के बाद में सूरज भी ऊपर आ गए और भी नहीं उठेंगे तो अब साधना एक दिन की तो साधना नहीं है, वो तपस्या किसे कहते हैं, अपने शरीर को ताप देने को तपस्या करते हैं। हम शरीर को सुख जितने दिन देते रहेंगे कोई देवता प्रसन्न नहीं होने वाला, कोई देवता यह चाहता है कि तू मेरे लिए कितनी देर जीता है, तेरे फैमिली के लिए तो तू जीता ही है, तेरे शरीर के लिए तुझे तेरी नींद चाहिए, भूख चाहिए, ये तेरे शरीर की बात, मेरे लिए क्या कर रहा है। क्यों हम उपवास करते हैं,
क्यों अपन साधना को अपने दिनचर्या को छोड़कर अलग तरीके से जागृत करते हुए मंत्र जप क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि हे देवता, मैं ये मेरे शरीर का सुख दुख सब छोड़कर मैं तेरे लिए साधना कर रहा हूँ। तब देवता कहती है मेरे लिए जी रहा है, मैं इसके ऊपर प्रसन्न हो जाऊं, इसको आशीर्वाद दूं। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कर रहे हैं? मुझे कहना पड़ता है कि आप ये करो, तब आप वो भी विचार करके आएंगे कि करना है नहीं करना है। अभी तक तो आधे लोग नहीं आए, कहाँ हैं इसका भी पता नहीं है। थोड़े लोग कहेंगे कि अभी धूप में, अभी धूप लग रही है हमारे को। अगर यही साधना की पद्धति रही तो मैंने इस बार की पत्रिका में लिखा है, इस बार की पत्रिका में लिखा है कि मैंने आपको साधनाएं देते देते कहते कहते थक गया, अब केवल परीक्षा का समय रखूंगा। जो मेरी परीक्षा में पास होगा उसको ही साधनात्मक दृष्टिकोण से आगे लेकर साधना के मार्ग में लेकर चलूंगा। नहीं तो आपके घर में अच्छी तरह 8:30 नहीं 10 बजे तक सो जाओ, मेरे कुछ लेना देना नहीं, आप खा के सो जाओ, आप यही कार्य करते रहो। ये नहीं, साधना एक तपस्या है, जंगल में रहने की तपस्या है, अपने नींद और सुख को त्यागने की तपस्या है, अपने शरीर को ताप देने को तपस्या कहा गया है। और जब तक ये नहीं होता तब तक हम कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। केवल पैसे कमाना, बीवी बच्चों को पैदा करना, खाके फिर सो जाना, ये हर एक पशु का भी काम है, हमारा भी काम है, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अगर हमें इससे हटकर कुछ करना है, जैसे गुरु जी ने हिमालय की कंदराओं में 18 साल घूमकर अपने पांवों को छाले आते हुए तपस्या करके उन्होंने अगर जिंदगी जी है, तो हम उनके इसमें एक दशांश भी अगर हम कुछ कर सके तो हम इस अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी कर सकेंगे। और ये नहीं हुआ तो हमारा जीना व्यर्थ है। फिर मैं इतने दिनों से आप साधना में आना और मैं साधना करते हुए रहना, साधना कहते हुए बात चलाना, ये सब व्यर्थ है। क्यों? अगर मैं कभी भी चिंतन आपके कहने से पहले मैं चिंतन करता हूँ कि आपको कूलर में बिठाया हूँ या नहीं, कल भी मैंने आपको कहा 10-11 के बाद कोई बच्चा मत घूमो, 48 डिग्री चल रहा है। मैं आज भी यही समझा था कि आप सुबह जल्दी आते हैं तो 10-10:30 बजे तक साधना पूर्ण करके फिर 5 बजे आपको बुलाऊं ताकि धूप ना लगे, लेकिन आप 8:30 बजे तक उठे ही नहीं। अब मैं साधना क्या दूँ, साधना क्या करवाऊँ और आगे आपको साधना के बारे में क्या बताऊँ? फिर आप थोड़ी देर के बाद हो गए तो भूख लगनी शुरू हो जाएगी, भूख लगे टिफिन खाए कि नींद आ जाएगी, नींद आ गई तो फिर सुबह फिर 5 बजे तक आप उठेंगे नहीं। और ये वो नहीं, भूख के बारे में भूख नहीं मिटी तो साधना नहीं होगी, अब साधना नहीं होगी तो फिर धूप आ जाएगी, गुरु जी बहुत धूप है, अब क्या इस धूप में साधना कर सकते हैं, अब आपको कहाँ करूँ, इतने पेड़ वगैरह सब लगाया हूँ, बैठ के साधना। मैंने कल जैसा बताया कि विवेकानंद जी ने पंचाग्नि साधन किया, माता पार्वती ने भी शिवजी के प्राप्ति के लिए पंचाग्नि साधन की। आज हमारे को साधना करने के बाद धूप में गए तो ही अपने को धूप लग जाती है, सन स्ट्रोक हो जाता है और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। इसको रोके तो किस तरह रोके, इसको करे तो किस तरह करें, ये क्या हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कौन सी साधना हम गुरु से प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हमारा यही जीवन का लक्ष्य है, इसी जीवन लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं? हमें साधना के बारे में, साधना करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले जब तक मैं आपको आपके जीवन में याद रखो ये बात कहता हूँ, आज नहीं मेरे बाद में आपके जीवन में याद रखना, जो मनुष्य घर में कम से कम सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठता है उसके घर में लक्ष्मी का वास कभी भी रहता है और अलक्ष्मी नहीं रहती। लेकिन जो सूर्योदय के बाद भी 1 घंटा पहले के वास होता है वो कितना भी धनवान हो दरिद्र हो जाता है, उसका आलस्य आता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती, उसको कर्म नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। एक जमाना था हमारे पास, लोग सुबह ही उठकर अपना काम करते थे, अपने कर्म में लग जाते थे, उनको कभी नौकरियों की परेशानियां नहीं हुई। लेकिन आज 1 लाख रुपए की IT नौकरी लगी लेकिन उसको उतनी अनसर्टेनिटी है कि कब नौकरी जाएगी उसको पता नहीं। लेकिन वही पहला जमाना था, वो एक बार नौकरी करते बैठ गया तो उसको नौकरी की चिंता नहीं, रित्री को नौकरी कर रहा है तो जीवन भर नौकरी रहेगी। आज इसका कारण क्या है? हम या तो रात में नौकरी कर रहे, सुबह सूर्योदय को नहीं उठते और सूर्योदय नहीं उठने से हमारे घर में लक्ष्मी अस्थिरता से रहते, स्थिरता के साथ अपना हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर में झगड़े, पति पत्नियों को छूट जाना, पति पत्नी अलग होना, या ये सारी चीजें किसकी हो रही है? हमारे कि हमने एक नियमबद्ध जीवन नहीं जिया, हम यमबद्ध जीवन जी रहे। यम का अर्थ होता है यम को जो इच्छा है उसके अनुसार जीने को यम कहा गया है, और यम के इच्छा के अनुसार नहीं चलने को उसे नियम कहा गया है। हम नियम के साथ चले तो यम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, यम नरक को नहीं ले जा सकता, लेकिन हम वो कार्य नहीं करते। और उस कार्य के लिए आप केवल सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अगर गुरु मंत्र जप करते हैं तो आप देखो थोड़े दिनों के अंदर अंदर आपके घर में एक स्थिरता आएगी, एक सुख आएगा, सौभाग्य आएगा। लेकिन इस बात को भी मुझे आज बोलना पड़ रहा है, जबकि मैं समझता था हमारे साधक बहुत सीनियर है, उन सभी को ये चीज़ें पता है, आज एक दिन के लिए पता चल गया है कि आपको जब तक मान लीजिए मैं नहा हूँ आप कुछ भी करने वाले नहीं, आप सो के रहेंगे,
आपको हर बार मुझे जगाना पड़ेगा, मैं मुर्गी की बांग की तरह मुझे पुकारना पड़ेगा कि आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, गुरजप करो, बैठो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ। अब इस बात से तो तंग आ गया हूँ। अभी मैं लिखते बैठा था तो पत्नी आई है, मेरी माता जी अब आई और पूछने लगी कि 8:30 बजे तक लोग उठे नहीं हैं, फिर आप अभी क्या, आप थोड़ी देर बैठो, आप भी दूध पी के जाओ। मैं बोला दूध पी के अगर मैं गया तो वो लोग खाना खा के सो जाएंगे, मैं भी सो जाता हूँ, दोनों की तरह का काम खत्म हो जाएगा यहीं। आखिर माता जी को भी बोला अब नहीं, अब तो इन साधकों की जो साधना करना चाहते हैं उनकी नींद हराम कर दूंगा, उनको नींद नहीं आए, उनको भूखी नहीं लगे, ऐसी कोई साधना पहले दूंगा, बाद में दूसरी साधना प्रदान करूंगा, क्योंकि ये लोग खाना सोना दोनों काम, दोनों काम जब तक करेंगे ये लोग साधना नहीं कर सकेंगे, नहीं होगा ही नहीं, ये होने वाली बात ही नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, मैं रोज जो खाना चावल वगैरह पका के दे रहा हूँ उसके अगर बगैर अपामार के बीजों को खीर बना के खिला दूँ तो 10 दिन तक भूख नहीं लगेगी, वो खाने में नहीं देना चाहिए, चावल ही नहीं देना, खत्म। मेरे को वो भी तरीका मालूम है कि आपको किस तरह आपकी भूख मिटा दूँ, ये भी तरीका मालूम कि आपकी नींद किस तरह मिटा दूँ, किस तरह नींद तो आपको नहीं आया ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन एक पुत्र के नाते, पिता होने के नाते आपको रोज खाना देकर परोस के हुए साधना आज नहीं तो कल करेंगे ये मैं जानकर आगे चल रहा हूँ। ऐसा क्षण मेरे लिए मत लाओ कि आप साधना करें सिद्धि नहीं हुई तो आप और 5 बजे नहीं उठे तो मुझे आपकी नींद हराम करने के तरीका भी आता है, मैं गुरु हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। मैंने जैसा कहा कल पूर्ण रूप से 11 माला कारी का मंत्र किसने किया है वो लोग हाथ उठा दो, सब लोग लाइन से आके खड़े रहो जिन्होंने 11 माला पूर्ण की। कितने लोग हैं गिनो, मनोज एक 50 प्लास्टिक की कटोरियां लेके आ, हरि कृष्णा चमेली का तेल लेके आओ, किस तक हम किस तक